चलिए भाई, पूरा डिस्कशन हो चुका है ये चैप्टर का, तो अब हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, नेम द जर्मन स्कॉलर हु यूज द वर्ड स्टैटिस्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो है गॉटफ्रीड एकेनवॉल और वो है ऑप्शन ए। सेकेंड, द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश, वो तो कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ था लेकिन आज उसका नाम है कोलकाता, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लिखना है ऑप्शन बी। थर्ड, हु यूज द जर्मन वर्ड स्टेटिस्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑफकोर्स गॉटफ्रीड एकेनवॉल, वो पहले भी क्वेश्चन हमने देख लिया था, ये टेक्स्ट बुक के रेफरेंस के हिसाब से ए वन। आगे देखते हैं, हु वॉज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इनिशियल रिजल्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी अमंग द फॉलोइंग। तो प्रोबेबिलिटी थियरी की बात करें तो लाप्लास और गॉसेट होते हैं, लेकिन यहां पर अवेलेबल जो नाम है वो सिर्फ लाप्लास का है, तो हम वो देखेंगे। तो लाप्लास ऑप्शन बी, गॉस और लाप्लास। चलिए उसके बाद, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स की जब हम बात करेंगे तो याद करेंगे कार्ल पियर्सन को, ठीक है, और फ्रेंसिस गाल्टन को, लेकिन यहां जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ कार्ल पियर्सन का है, तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे। विच स्टेटिस्टिशियन मेड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेटिस्टिक, मॉडर्न स्टेटिस्टिक के लिए पीसी महालनोबिस, वो है ऑप्शन ए। सैंपल साइज इज डिनोटेड बाय, सैंपल साइज बोला गया है तो पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन बोलते हैं, सैंपल साइज को स्मॉल एन बोलेंगे, और स्मॉल एन का मतलब है ऑप्शन बी। नंबर एट, फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 5000 यूनिट्स, इसका मतलब कैपिटल एन जो है वो है 5000। फोर बोल रहे कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 10% यूनिट इज सिलेक्टेड, तो 5000 में से 10% मतलब 500 का सैंपल लिया है, ठीक है। देन पॉपुलेशन साइज कैपिटल एन, कैपिटल एन इज 5000 और वो ऑप्शन ए में है। नाइन्थ, फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ साइज 10000, ओके, इसका मतलब कैपिटल एन है 10000। फिर पूछ रहे हैं कि अ रेंडम सैंपल ऑफ 5% यूनिट इज सिलेक्टेड, तो स्मॉल एन, इसका 5% करेंगे तो 500 आएगा। तो देन स्मॉल एन इज, क्वेश्चन स्मॉल एन है तो स्मॉल एन इज 500 और वो ऑप्शन कौन सा है, सी, तो आपको टिक मार्क करना पड़ेगा ऑप्शन सी को। व्हाट इज कॉल्ड इफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन इज एन, एन मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर, तो नंबर पता है तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन होगा, लेकिन पता ही नहीं है कि कितने टोटल पॉपुलेशन में यूनिट्स है तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे आप बोल सकते हो कि मेरा पॉपुलेशन है नेचुरल नंबर्स तो 1 to n, लेकिन नेचुरल नंबर का तो कोई एंड ही नहीं है, इसका ये मतलब है कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, लेकिन कोई स्पेसिफिक नंबर है पॉपुलेशन की साइज जिसमें यूनिट्स है तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन माना जाएगा, यहां पर ऑप्शन ए लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव मतलब जिसको आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते। इनकम कैटेगरी, देखो इनकम वर्ड यूज नहीं किया, इनकम कैटेगरी मतलब हाई इनकम, लो इनकम, मिडल इनकम, ये कैटेगरी है, तो कैटेगरी को तो नंबर में एक्सप्रेस नहीं करते हम, तो ऑफ कोर्स ये क्वालिटेटिव डेटा माना जाएगा। लेकिन बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, बी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इन टन्स, तो वो तो नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, एज ऑफ वर्कर्स इन ईयर, हाइट ऑफ पर्सन इन मीटर, तो बी सी डी क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव पूछा है, यू शुड टिक मार्क ऑन ऑप्शन ए। When any authorized organization or an investigator collects data for the first time, authorized है लेकिन वो first time collect कर रहा है, तो first time मतलब fresh data जिसको हम बोलेंगे primary data, तो option A, B, C, D, तो D option correct है, D primary data। 13, out of the following which one is an example of primary data, जो first time खुद करेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डेटा होता है, देखते हैं। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, तो वो तो ऑलरेडी डेटा था हमने कलेक्ट किया है, प्राइमरी नहीं है, बी देखते हैं।
डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड जर्नल ऑफ एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का कोई पब्लिश जर्नल है वहां से डेटा ले लिया, तो प्राइमरी नहीं होगा, ये सेकेंडरी डेटा माना जाएगा। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे पढ़ा है मैंने ले लिया, वो भी सेकेंडरी है। डेटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ, एनएसएसओ ने जो डेटा कलेक्ट किया है, पब्लिश करने की बात नहीं कर रहा हूं, एनएसएसओ ने जो कलेक्ट किया है वो डेटा, फर्स्ट टाइम उन्होंने कलेक्ट किया था तो उनके लिए तो वो प्राइमरी डेटा है। तो यहां यही पूछा है कि डेटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ प्राइमरी है, हाँ एनएसएसओ वाला डेटा प्राइमरी डेटा है, हाँ हम यूज करेंगे तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसी बात है नहीं कि हम एनएसएसओ का डेटा फ्रॉम एनएसएसओ नहीं लिखा है, बाय एनएसएसओ, तो एनएसएसओ के लिए ही बात हो रही है, आपको टिक मार्क करना पड़ेगा ऑप्शन डी को। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू ऑब्टेन प्राइमरी डेटा। अब मैं आपको बताऊं, कोई इंपॉर्टेंट मेथड है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ है नहीं, हर मेथड के अपने अपने प्रोस एंड कॉन्स है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बताऊं कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन की मेथड तीन है, एक मेथड है डायरेक्ट इंक्वायरी, एक है इनडायरेक्ट इंक्वायरी और एक है क्वेश्चनर, और क्वेश्चनर में दो है, बाय पोस्ट भी है और बाय एन्यूमरेटर्स भी है। तो क्वेश्चनर वाली जो मेथड है वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, जो पैटर्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से ये ज्यादा लेवल पे जाके काम कर सकती है, तो इसकी वजह से कई लोग ऐसा बोलते हैं कि क्वेश्चनर वाली मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, लेकिन एज अ टीचर मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी मेथड को ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी को कम इंपॉर्टेंट ऐसा बोल सके ऐसी सिचुएशन में कोई है नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर देना है तो दे देते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनर जिसमें दोनों पैटर्न आ जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है आपका डी, टिक मार्क ऑन डी। विच मेथड इज यूज बाय द कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू ऑब्टेन डेटा, तो कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए यूज करने वाली मेथड वो इनडायरेक्ट मेथड है और ऑप्शन ए है, तो टिक मार्क ऑप्शन ए, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। नेक्स्ट, Which one of the following is true for secondary data? Secondary data के लिए क्या true है? Should never be used. Secondary data use ही नहीं करना चाहिए? नहीं, करना चाहिए, लेकिन थोड़ा carefully करना चाहिए, precaution लेने के बाद। देखते हैं, use after careful verification. Yes, option B आ गया, वही हम ढूंढ रहे थे। तो B को टिक मार्क कर दो, C और D पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, ठीक है। 17th देखते हैं, Which one of the following is true for the primary data? Primary data के लिए सही क्या है? Primary data is always more reliable as compared to secondary data. हाँ, ये बात तो सही है, तो option A सही तो है, फिर भी BCD पढ़ना पड़ेगा। Primary data is less reliable as compared to secondary, ये तो गलत बात है, false है। Primary data depends on whether data is collected carefully, नहीं, ये depend करता है secondary data में, कि originally secondary data आप use कर रहे हैं तो originally किसी ने carefully collect किया कि नहीं, वो आपको check करना चाहिए, तो ये apply होता है secondary data जब use करते हो, primary तो आप खुद ही collect कर रहे हो तो आपको accuracy maintain करनी ही है। प्राइमरी डेटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वो तो सोर्स हो गया, तो सेकेंडरी डेटा है, तो यस ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फिर से पढ़ते हैं, ऑप्शन ए क्या है, ट्रू कौन सा है, द डेटा कलेक्टेड बाई डायरेक्ट इंक्वायरी मे बी मोर एक्यूरेट, तो हाँ भाई ये करेक्ट है, ये ट्रू है, फिर भी बाकी के तीन पढ़ लेते हैं। The data collected by direct inquiry may be less accurate, may be less नहीं, may be more accurate, तो ये false है, B false है, A true है, B false है, C भी false है। देखो, the data collected by direct inquiry may not be reliable, it is more reliable, that means false, and data collected through email is known as data obtained by direct, नहीं ये direct inquiry नहीं बोल सकते, तो इसका ये मतलब हुआ कि B, C, D false है, हमको true को tick करना है, तो A is the correct answer, option A, 18th के लिए। 19th, Which survey is used in day-to-day transaction? Day-to-day में हम sample से ही काम करते हैं, पूरे population का कभी study ही नहीं करते, roughly sample ले लेते हैं, ठीक है, मैंने बोला था ना, वो गेहूँ खरीदने जाते हैं तो बोरी में सब नहीं देखते, एक दो देख के काम करते हैं, अंडे खरीदने जाते हैं, मैच बॉक्स खरीदने जाते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं, तो ये routine day-to-day transaction में हमेशा sample survey होता है, option A। 20, By which method data can be collected with less expense, खर्चा कम, एंड फ्रॉम वास्ट फील्ड, एरिया बड़ा,
कम खर्चा एरिया बड़ा तो क्वेश्चनर बाय पोस्ट सुटेबल है और वो ऑप्शन है यस ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर मेथड ऑफ गेटिंग सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप तभी पूछ सकते हो जब आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो इन्फॉर्मल के. ऐसा दो जगह पे होता है, एक तो डायरेक्ट इंक्वायरी में हो सकता है और क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर हो तब हो सकता है. लेकिन क्वेश्चनर बाय हाँ दोनों में से एक ही अवेलेबल है आपके ऑप्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभी ऑप्शन में दोनों अवेलेबल हो जाए तो किसको, तो ऐसे केस में डायरेक्ट इंक्वायरी को प्रेफरेंस देना है क्योंकि क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर जो होता है वो ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं, मतलब जो क्वेश्चनर में है वही. यहां पर हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से काम लेते ही है तो वैसे तो ये दोनों में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का ऑप्शन है, लेकिन आपके ऑप्शन में कौन सा है ये दोनों में से, कोई एक हो तो आप उसी को टिक मार कर दो और दोनों हो तो प्रेफरेंस इसको दीजिए डायरेक्ट इंक्वायरी को. अब मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो ऑप्शन है क्वेश्चनर बाय पोस्ट वो तो होगा ही नहीं, इनडायरेक्ट इंक्वायरी तो है ही नहीं, डायरेक्ट इंक्वायरी बाय टेलीफोन तो ऑफकोर्स डायरेक्ट इंक्वायरी हमारा करेक्ट आंसर है. ये ऑप्शन में था ही नहीं तो इसको ही टिक मार्क करना है. दोनों ऑप्शन में हो तो भी इसको टिक मार्क करना है, ये ना हो और सिर्फ ये एक ऑप्शन में हो तो क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर को टिक कर सकते हैं. आगे बढ़ते The population census conducted for every 10 years in countries which देखो population census मतलब हर 10 साल के बाद हम पूरे इंडिया में हमारे यह पैटर्न है हमारा पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है एवरी 10 ईयर और पब्लिश भी होता है, मतलब 1911, 1921, 1931, 1941, 1951 ऐसे करके हर 10 साल में जो आपका डिकेड खत्म होता है और पहला जो ईयर होता है उसमें, जैसे लास्ट सेंसस जो है वो 1911 का था, ठीक है, अब 2011 का था, अब 2021 का जो सेंसस है उसका तैयारियां शुरू हो चुकी थी काम करने की वो, लेकिन हुआ क्या कि ये कोविड की सिचुएशन की वजह से अब ये पॉपुलेशन सेंसस का काम अभी स्टॉप कर दिया गया है. लेकिन ये एवरी 10 ईयर्स होता है और उसमें क्या होता है, हर इंडिया में हर घर पे जाके डेटा कलेक्ट किया जाता है, मतलब ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन है सेंसस ऑफिस के लिए. तो ये कौन से टाइप का डेटा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी डेटा है. वेरियस डेटा पब्लिश्ड रेगुलरली बाय LIC ओके इज इंक्लूडेड इन विच टाइप ऑफ पब्लिक, LIC मतलब सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन बी है ही वहां पर. If an information published by World Health Organization, WHO का information है, मतलब ये तो secondary data हुआ, तो primary नहीं, option B, secondary data. Statistics is concerned with qualitative data, qualitative information, quantitative A और B, both A and B. देखो यहाँ confusion होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ, statistics is concerned with quantitative information only. आप बोलोगे सर qualitative को rank order में करते हैं ना, तो वहाँ पर भी काम तो, लेकिन वो उसको quantify करने के बाद करते हैं, तो दोनों में से preference लेना है, एक answer ही लेना पड़ेगा, और तो correct है answer quantitative information, तो option B. डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, हमने रिपोर्ट में से वो डेटा लिया सेंसस का जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है उसमें, तो ये तो सेकेंडरी डेटा हो गया ऑप्शन बी. द डेटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विथ मेजरिंग टैप, हम टैप लेके मेजर करके रिकॉर्ड करते, तो ये तो प्राइमरी डेटा, खुद कैलकुलेट कर रहे हो, खुद मेजर कर रहे हो, खुद रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये प्राइमरी डेटा हो गया, तो ऑप्शन ए. तो चलिए यहाँ पर हमारा MCQ का डिस्कशन भी ख़त्म हो चुका है. सेक्शन BCD की जो प्रैक्टिस है बाकी के सेक्शन की वो आप लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा थियोरिटिकल चैप्टर था तो BCD में भी थियोरिटिकल क्वेश्चन ही है, वो आपको लिखना है अपनी नोटबुक में. चलिए तो आज का ये सेशन यहाँ पर ख़त्म कर दे और हम ये मान के चलेंगे कि चैप्टर 1 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है. इसके बाद अब आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 3. थैंक यू वेरी मच.